माइनक्राफ्ट, लेकिन मैं जिस ब्लॉक के ऊपर से भी क्रॉस करूंगा वो ऑब्सिडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें भी मेरा गोल होगा डायमंड फाइट करना। तो सबसे पहले कुछ वुड्स कलेक्ट करते हैं, तो ये कलेक्ट हो गए कुछ वुड्स। देन इसके बाद बनाया मैंने क्राफ्टिंग टेबल और उसके बाद कुछ बेसिक टूल्स। मुझे यहीं पे केव भी मिल गया। अब ये ऊपर से साफ साफ देख नहीं रहा कितना गहरा है, मुझे थोड़ा सा नीचे जाके चेक करना होगा। अब एक थोड़ा सा डैमेज, एक और डैमेज, थोड़ा गहरा है केव। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नीचे से केव थोड़ा सा और गहरा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोल और आयरन मिल गया। तो सबसे पहले मैं कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले कलेक्ट किए कुछ कोल, उसके बाद फिर कुछ आयरन, और मुझे एक फर्नेस भी बनाना होगा इसे स्मेल्ट करने के लिए। तो कुछ स्टोन भी कलेक्ट कर लेते हैं। कहीं से क्रीपर की आवाज आ रही है और मेरे सामने, भागो भागो भागो, नीचे नीचे, नहीं 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 नहीं, बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, यहाँ पे नहीं आया, नीचे रह गए। अरे नहीं 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 नहीं, ओ बाल बाल बच गए, चलो ज्यादा डैमेज नहीं मिला। मुझे कुछ और टॉर्चेस बना लेने चाहिए थे, क्योंकि आसपास में बहुत ही ज्यादा अंधेरा और कुछ साफ से दिख भी नहीं रहा। यहाँ कहीं बॉटम में एक टॉर्च प्लेस करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हार्मिंग का पोशन मेरे ऊपर आया अंदर, वेच है। जल्दी साइड होते और पोशन का इफेक्ट कम होने तक वेट करते हैं। फिर से आ गई, इसे मैं मार दूंगा। भाग जा पीछे, भाग जा पीछे, भाग जा। नहीं मैं नीचे गिर गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पोशन फेंक रही है मेरे पास।